नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन शर्मा, एक्टर एंड डायरेक्टर। दोस्तों, कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक्टिंग भी करता हूं और डायरेक्शन भी दे चुका हूं कई शॉर्ट फिल्म में और वेब सीरीज में, और मैं टीचर भी हूं, मैं एक्टिंग भी सिखाता हूं। तो दोस्तों, मेरे पास एक ऐसा मैटर आया है कि मैं खुद सोच में पड़ गया। एक साधना नाम की लेडीज है जिन्होंने पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर, किसी ग्रुप से नंबर मेरे को बारे में सुना है और नंबर लिया है और मुझे कॉल किया कि सर, अपने बारे में बताया मुझे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। मैं चकित हो गया। चकित इसलिए हो गया, चौंक गया, क्योंकि वो बोलने लगी मुझे दिखता नहीं आँखों से, मैं ब्लाइंड हूँ। तो मैं बोला आए ऐसे कैसे हो सकता है, जो लेडीज देख नहीं सकती वो कैसे एक्टिंग करेगी, कैसे सीखेगी। लेकिन उनकी जिद थी, उन्होंने मुझे बार बार कॉल किया कि सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, एक बार मुझे चांस तो दीजिए। तो मैं बोला ठीक है। तो आज देखिए, ये इनका नाम साधना है, ये आई हैं हमारे पास मिलने। नमस्ते करो। नमस्ते दोस्तों आप सबको, और मेरा नाम साधना है और मैं नागपुर से आई हूँ। और मैंने सर को कुछ दिन पहले कॉल किया था, तो ग्रुप से नंबर निकाला मैंने और सर को मैंने कॉल किया था कि सर मैं आपके वीडियोस वगैरह देखती हूँ, सुनती हूँ, क्योंकि मैं देख तो नहीं सकती हूँ आँखों से लेकिन सुनती हूँ। तो मैंने कॉल करके देखा कि क्यों मैं ब्लाइंड हूँ तो क्यों कुछ नहीं कर सकती क्या। तो मैंने सर से कॉल करके बात किया कि सर मैं कुछ करना चाहती हूँ और मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक़ है, तो प्लीज़ सर मुझे एक चांस आप दीजिए और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ कि आप एक बार मुझसे मिलिए कि कैसे क्या होगा और कैसे मैं आपसे अपना अपने बारे में आपको बता पाऊँगी। तो प्लीज़ मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया और मेरा सिर्फ मैं मेरी फैमिली के साथ में रहती हूँ नागपुर में। और मैं सर से बहुत बार कांटेक्ट किया और मैं आई थी, तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं आई हूँ तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो सर ने बोला कि ठीक है, आ जाओ मिलने के लिए। और मैं अभी सर के पास में आई हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, देख तो नहीं सकती हूँ लेकिन मेरी इच्छा है और मेरी एक उम्मीद है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो आप लोग की कमेंट्स, आप लोग की सपोर्ट से मैं कुछ कर सकती हूँ, तो आप लोग की वजह से कुछ कर पाऊँगी मैं, आप लोग की कमेंट्स की वजह से। तो दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा कि मैं, क्योंकि सर को भी बोलिए जी कमेंट करके कि वो मेरे लिए कुछ कर सके और मुझे सिखा सके, क्योंकि मेरे पास में इतना पैसा नहीं है और ना ही मैं एक्टिंग क्लास लगा सकती हूँ। और आपको मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया है, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, तो मुझे तो सहारे की ज़रूरत है और पैसे की ज़रूरत, वो काम करना है मुझे, तो मैं कुछ बनना चाहती हूँ। तो लेकिन प्लीज़ आप लोग की कमेंट्स और आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे। देखिए, ये साधना है, ये ब्लाइंड है, लेकिन कुछ कमी नहीं है इनका अंदर, सिर्फ एक ही कमी है कि ये ब्लाइंड है, देख नहीं सकती हैं। बाकी देखने में आप देख सकते हो खूबसूरत हैं, फेस भी अच्छा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इनको चांस दूँ कि ना दूँ, क्या इनको लेकर कुछ वीडियोस बनाऊँ, शॉर्ट फिल्म बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्या ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या मैं इनके ऊपर मेहनत करूं, क्या मैं इनके ऊपर मेहनत करूं, क्या हम सक्सेस पाएंगे, कामयाबी मिलेगी मुझे, क्या ये सोशल मीडिया पे फेमस हो पाएंगी,
दोस्तों देखिए, सोशल मीडिया पे आजकल कोई भी फेमस हो जाता है, लेकिन फेमस जब ही होता है जब आप लोग का सपोर्ट होता है। पब्लिक का सपोर्ट जिसके साथ होता है वही फेमस होता है। आज मैं चाहता हूँ, अगर ये उम्मीद से आई हमारे पास तो मैं भी चाहता हूँ कि इनकी उम्मीद ना टूटे। वैसे भी ईश्वर ने पता नहीं क्या हुआ, इनकी आंखों की रोशनी छीन ली है, इनको आज तकलीफ़ है। और सबसे बड़ी बात, इनके साथ एक ये दुर्घटना हुई कि इनके हस्बैंड ने इनको छोड़ दिया है। तो मुझे भी तकलीफ़ हो रही है कि एक बेसहारा लेडीज है जिनका कोई सहारा नहीं है, एक माँ है जो सहारा देती हैं इनका, तो मेरे पास आई हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूँ, लेकिन आप लोगों के बगैर सपोर्ट के मैं भी दोस्तों कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं भी अभी किसी भी सोशल मीडिया से कोई पैसे नहीं कमाता हूँ। मैं जो भी कमाता हूँ एक्टिंग क्लास से या फिर अपने कुछ बाहरी काम करके, फोटोशूट करके, इन्हीं चीज़ों से मैं पैसा कमाता हूँ। तो यदि आप लोग चाहेंगे तो इनको भी मैं आगे बढ़ सकती हैं, तो इनका आप सपोर्ट कीजिए। और हमें ये वीडियो देख के आप कमेंट में हमें बताइए कि क्या मैं इनके ऊपर मेहनत करूं, क्या मैं इनको एक्टिंग सिखाऊं, क्या मैं इनको साथ में लेकर शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज या ये सब बनाऊं। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं सिर्फ ये शॉर्ट फिल्म में और कमेंट नहीं, वेब सीरीज में ही नहीं, आगे चल के ये सीरियल मूवी में भी काम करें। तो हालांकि ये नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि एक्टिंग में अगर देख नहीं सकते हो तो एक्टिंग नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो उम्र, शक्ल, सूरत या फिर ये सब नहीं देखती है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप एक्टिंग कर लोगे और आपको मौका भी मिलेगा। देखा आपने, कई लोगों को देखा होगा फिल्मों में जिनकी कोई शक्ल सूरत नहीं है, लेकिन वो टैलेंट के बल पर अपने काम कर रहे हैं आज, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं क्या करूँ इस समय, इनको एक्टिंग सिखाऊं, इनको इनके साथ में मैं वीडियो बनाऊं, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ इस समय, मुझे नहीं लगता मैं क्या करूं। क्योंकि सोशल मीडिया पर काम करना, इनके साथ वीडियो बनाना, हर चीज़ में दोस्तों पैसा लगेगा। एक शॉर्ट फिल्म भी नॉर्मल में बनाता हूं तो उसमें कम से कम 25-30 हज़ार रुपये लग जाता है नॉर्मल खर्चा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या मैं इनके साथ में इनको एक चांस दूँ, मौका दूँ, क्या मैं मेहनत करूँ इनके ऊपर। क्योंकि मुझे इन्हें सिखाना पड़ेगा, एक्टिंग के बारे में बताना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा मुझे। तो आप लोग की क्या राय मशवरा है आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। नमस्कार।